इंस्टीट्यूट जाए बिना हम एक्टर नहीं बन सकते हैं या फिर बहुत मुश्किल होगा अगर मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाता हूँ और आ, कुछ और करता हूँ तो वो चीज़ करने में कैसी मुश्किलें होंगी हाँ ट्रेनिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट ज़रूरी है जी मेरा नाम अरविंद है और मैं एक कलाकार हूँ तो जैसा कि हमारी बात हुई थी पिछली वीडियो में कि इस वीडियो में हम शांतनु सर को लाएंगे और जिनसे हम सवाल पूछेंगे और वो हमारे सवालों का जवाब देंगे और मैंने कहा था कि सवाल आप ही पूछेंगे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो मेरे पास कुछ सवाल आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ पूछ रखी थी कि हमारा किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ और किसी ने पूछा कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए एक्टिंग के लिए तो इंस्टीट्यूट को लेकर इतने सारे सवाल थे तो मैंने सोचा कि इसी पर एक सवाल पूछ लिया जाए तो आइए पूछते हैं सवाल क्वेश्चन शांतनु सर से हेलो सर सर हम सबका एक सवाल है कि जो इंस्टीट्यूट है वो एक एक्टर के लिए यानी कि किसी के लिए भी एक्टर बनने में कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ की जर्नी में क्या इंस्टिट्यूट जाए बिना हम एक्टर नहीं बन सकते हैं या फिर बहुत मुश्किल होगा अगर मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाता हूँ और आ, कुछ और करता हूँ तो वो चीज़ करने में कैसी मुश्किलें होंगी हाँ ट्रेनिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट ज़रूरी है आ, ट्रेनिंग कहीं भी हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो उसकी कोई जरूरत नहीं है जो जरूरत है आ, मैं मेलकम ग्लाइडोवेल के आउटलायर्स के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी चीज प्रोफेशनली करने के लिए नीड टू uh, अब यह टेन थाउजेंड आवर ऑफ ट्रेनिंग किसी थिएटर ग्रुप में शुरू हो सकता है अगर थिएटर ग्रुप आसपास नहीं है तो चार पांच दोस्त मिलकर एक थिएटर ग्रुप शुरू किया जा सकता है uh, एक uh, um, uh, कोई uh, छोटे से ऑर्गेनाइजेशन uh, बना के उसमें शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया जा सकता है एंड ट्रेनर कोई ढूंढा जा सकता है जो भी आपके आसपास हो जिसके साथ भी आप आ, कनेक्ट कर सकते हैं उससे आप ट्रेनिंग शुरू कीजिए पर यह ट्रेनिंग जब तक टेन थाउजेंड आवर तक नहीं पहुंच रहा है तब तक ट्रेनिंग और वो भी राइट डिरेक्शन में अगर एक इंस्टीट्यूट में ये चांस है कि राइट डिरेक्शन टेन थाउजेंड आवर शायद हो सकता है ट्वेंटी थाउजेंड आवर ट्रेनिंग में टेन थाउजेंड आवर अचीव कर लिया जाए पर्सनली uh, ट्रेन करने से हो सकता है फोर्टी थाउजेंड या फिफ्टी कैन स्टार्ट एनी योर होम यू कैन कॉपीइंग अदर एक्टर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी थैंक यू सो मच सर तो जैसा कि सर ने कहा कि इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने ऊपर काम कैसे करते हैं आपका क्राफ्ट के ऊपर काम करना यही इंपॉर्टेंट है फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं देखिए हम इंस्टीट्यूट जाना क्यों चाहते हैं उसकी कुछ वजह हैं पहली वजह यह है कि वहाँ पर हमें माहौल मिलता है दूसरी वजह यह है कि डिग्री मिलती है तीसरी वजह यह है कि हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है हमें एक्टर बनाकर भेज देगा हम जाएंगे और वो एक, एक एक्टर की तरह बाहर आएंगे तो पहली चीज़ माहौल बनाने की बात देखिए अगर हमारे अंदर सच में वो अर्ज है ना एक्टर बनने की तो माहौल कहीं भी बन जाएगा जैसा कि सर ने कहा कि हम कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं किसी टीचर को अपॉइंट कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि डिग्री uh, तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि एक्टिंग एक आर्ट है कोई दूसरे प्रोफेशंस की तरह इसमें हमें जॉब करने नहीं जाना है तो ये उन प्रोफेशंस की तरह नहीं है जिसमें वो डिग्री मांगेंगे और जॉब देंगे आपको यहाँ पर सिर्फ आपका टैलेंट काम आएगा तीसरी चीज़ जो कि हम गलत फहमी जीते हैं कि इंस्टीट्यूट एक्टर बनाकर भेज देता है जी ऐसा नहीं होता है मैं खुद एक इंस्टीट्यूट से हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से और मुझे पता है कि मैंने इंस्टीट्यूट में कितना सीखा और उसके बाद आकर कितना सीखा तो ये तीन चीज़ें हैं उसके बाद आते हैं पहली चीज़ पर कि अगर हमने टीचर अपॉइंट कर भी लिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ट्रेनिंग जो है राइट डायरेक्शन में है जैसा कि सर ने कहा तो ये देखिए ये खुद की जर्नी होती है हमारी जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक है ये चीज़ गलत है फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जब भी हम एक्ट करते हैं ना अगर आपको टीचर ने कुछ बताया है कि तुम ऐसे करो और इससे इमोशन निकलेगा तो जब भी हम एक्ट करते हैं ना तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि इसमें ट्रू है हम या फिर फेक है तो वहाँ सब क्लियर हो जाता है फिर भी इसके बाद एक और चीज़ आती है कि अगर आप उस इमोशन में ट्रू हैं पर क्या उस सिचुएशन में वही इमोशन लगाने या कोई और इमोशन तो ये सारी चीज़ें हमें खुद जाननी पड़ेंगी क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनका आपको समझ में नहीं आएगा और जिस टीचर का आपको समझ में नहीं आता है वो कितना भी ग्रेट टीचर हो आपके लिए शून्य है और कुछ भी नहीं है तो इसके बाद इसको यहीं तक रखते हैं और एक छोटा सा जो मैं सोचता हूँ इंस्टीट्यूट के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए मेरे लिए जो इंस्टीट्यूट है ना वो ट्यूशन क्लासेस की तरह है जैसे स्कूल में ट्यूशन होता था हम सब ट्यूशन में जाते थे और हमें ऐसा लगता था कि बिना ट्यूशन के तो भाई हो नहीं पाएगा स्टार्टिंग में ट्यूशन ही ट्यूशन गए हैं अब बिना ट्यूशन के कैसे पढ़ेंगे तो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको अपना मेरा एक दोस्त है मुकुल हम दोनों साथ में ही थर्ड क्लास में एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे ट्वेल्थ तक हमारे जितने भी दोस्त थे और मैं भी हम सब ट्यूशन जाते थे मुकुल नहीं जाता था और ट्वेल्थ तक हर क्लास में उस बंदे ने टॉप किया है क्योंकि उसको पता था कि उसको करना क्या है डायरेक्शन क्या है सब पता था हमें नहीं पता था भाई हम गधों की तरह ट्यूशन जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है इंस्टीट्यूट नहीं बनाएगा एक्टर आपको आपको खुद बनना पड़ेगा वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं टीचर और इंस्टीट्यूट तो ये तो हो गई इंस्टीट्यूट की बात जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए बट इससे हमने कुछ सीखा नहीं है आज एक्टिंग के ऊपर तो उसके लिए थोड़ा सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रिलैक्सेशन के ऊपर बात की थी आज हम बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे जी हाँ हम बात करेंगे इम्पल्स के ऊपर हम बात करेंगे इमोशंस के ऊपर जो हमारे इमोशंस ब्लॉक हो चुके हैं उनको खोलना कैसे है तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगली वीडियो में कवर किया जाएगा तब तक के लिए अलविदा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार और वो प्रेस द बेल आइकन आल्सो एंड हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने सवाल ज़रूर पूछिए क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद जो वीडियो आएगा वो शांतनु सर के साथ होगा जिसमें आपके सवाल होंगे और उनके जवाब होंगे और आपको पता ही है कि सवाल पूछने कहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तब तक के लिए अलविदा बाय